Hey guys, what is up? My name is MS Fuzarka and welcome back to my YouTube channel, back in Rani Khet after 40 days. So the first thing is waking up with this much of energy. ये मैं ही कर सकता हूँ because मैं एक घंटा तो वैसे ही लेटा रहता हूँ तो मेरे को energy आ ही जाती है. So yeah, तो अभी हम देखते हैं बाहर कैसा मौसम है. तो धूप निकल रही है बाहर, ये मेरा फेवरेट कमरा है. ओके सो गाइस, तो मैं मुरादाबाद में तो ठंडे पानी से नहा रहा था लेकिन यहाँ पे हिम्मत नहीं हो रही बिकॉज वो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है. जो रानीखेत में रहते हैं उन्हें पता है. तो देखते हैं क्या करता हूँ, पानी गर्म करना होगा और उसके बाद ही नहा सकते हैं. सो या तो आई विल सी यू गाइस इन अ बिट. So guys, नहा गया हूँ मैं. इवन यू नो स्लाइट इवन थोड़ा ठंडा पानी था लेकिन नहा लिया मैंने. अब नेक्स्ट थिंग जो मैं करूँगा वो है, अब नेक्स्ट थिंग जो मुझे करनी है वो ये है, उनको ब्रेकफास्ट गर्म करना और खाना है. सो या लेट्स डू दिस. बाय द वे, रानीखेत आके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता. बहुत अच्छी यू नो फील आ रही है मुझे. सो या तो अभी मैं दलिया रखा होगा मेरे लिए पापा ने. हाँ देखो ये होगा दलिया, ये है ब्रेड. अब मेरे को जो है वो अपने लिए एग्स बनाने हैं तो मैं वो बनाऊँगा. सो या बनाएंगे हम लोग अंडेज फ्राई पैन में. वो मेरा मम्मी वाला फ्राई पैन जिसमें मैं बचपन से अंडे खा रहा हूँ बना बना के. मैं नहीं बना रहा, मम्मी बना के, पता नहीं कहाँ गया वो, क्या दिखे गए. कभी आला यूज़ करेंगे वाला, तो खैर ये वाला तो कोई यूज़ नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है. तो हाँ ये ऑयल हमने ऑयल डाल दिया. अब जो है वो है मुझे छुरी काम वाली छोटी वाली है. तो मैं पहले इसको फैला लेता हूँ ऑयल को अच्छे से. असल में प्रॉब्लम एक और हो गई है, वो ये हो गई है कि मेरा जो हेयर ड्रायर है वो ख़राब हो गया है. तो अब वो मैं मार्केट में ना दिखाऊंगा, पापा से कहूँगा और दिखवा लूँगा. बिकॉज वैसे ही बहुत खर्चा हुआ है और नया लेने की कोई यू नो संभावना नहीं है मेरी फ़िलहाल. और लेना भी नहीं चाहिए, अगर सही होके चल जाए तो क्या बुराई है. सो गाइस, ये जो मैंने बनाया है अब मैं ये खाऊंगा. सो पहले मैं फटक से दलिया खा लेता हूँ. ओके सो गाइस, ब्रेकफास्ट कर लिया. एक्चुअल में ना मुझे लेट हो रही है, पापा ने मेरे से कहा था 11 बजे तक आ जाना, 11:20 हो गया है, इसलिए मुझे सब जल्दी करना है. खैर बर्तन तो मुझे धोने नहीं पड़ते हैं, वो तो पापा कर लेते हैं मेरे, बहुत शुक्रगुजार मैं उनका. तो अब मैं क्या करूँगा, फटक से जैकेट पहनूंगा और निकल रहे हैं हम लोग. सो सी यू इन अ बिट. सो गाइस, दुकान पे आ गया हूँ मैं अपने पापा की और काफ़ी अच्छी धूप लग रही है मुझे यहाँ पे. नहाया हुआ काम आया मेरे, प्लेन्स में तो क्या धूप भाग जाती है, यहाँ ये फ़ायदा है कि धूप नहीं भागती है.
तो ये हमारे हाफी जी जिनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं ये जैकेट लेकर आए हैं। सो गाइस दिस इज व्हाट आई एम हैविंग टुडे फॉर लंच। पापा ने बनाया है खिचड़ी विद सम प्याज। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब पापा मुझे ऐसा करते हैं। हाँ इसी वजह से हो रहा है। तो अभी नमाज की तैयारी चल रही है, मैं और आपी जी हैं। दुकान का टाइम मेरा ख़त्म से आ करेंगे वजू। सो लेट्स डू दिस। इतना ठंडा है कि गर्म पानी से वजू करने के बाद भी हवा लगने के बाद बहुत ठंड लग रही है। सीरियस सुबह नमाज पढ़ ली हम लोग ने। ये हमारे इमाम साहब हैं और ये देखो कैसे हंस रहे हैं। ओके गाइस हापी जो हमें थोड़ा वॉक करके आए नीचे। अभी नमाज पढ़ी थी, कैसा लगा हापी जी? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। अब तो हापी जी के पापा भी आ गए यहाँ पे। अब हापी जी अकेले नहीं है यहाँ पे, पहले बोर हो रहे थे काफ़ी। मैं भागो मत यार, कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग करना यार। ओके गाइस ईशा की नमाज के लिए हालत ख़राब हो गई है पानी से। बहुत ठंडा है भाई साहब। मुरादाबाद याद आ रहा मुझे, पहला व्लॉग स्टार्ट हुआ है आज सुबह से, लेकिन रो रहा हूँ मैं। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो ये पहला मेरा व्लॉग था रानीखेत जब मैं आया, और आज मैंने शूट किया फर्स्ट डे रानीखेत के हिसाब से। तो या अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कॉमेंट करना एंड शेयर करना। टिल देन बाय।